महानगर में नकहा के भाजपा के पार्षद पद के प्रत्याशी शशांक सोनकर व शिवाजी नगर के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश सिंह उर्फ गोली सिंह ने निकाय चुनाव पर कहा कि जिस तरह से पूरे देश में तेजी से विकास हो रहा है, उसी तरह ट्रिपल इंजन की सरकार बनने पर वार्डों का विकास होगा। उन्होंने कहा, पहले वार्ड की स्थिति बहुत दयनीय थी, लेकिन प्रदेश में योगी सरकार के बनने के बाद वार्डों में तेजी से विकास हुआ है और जो कार्य बाकी है उसको आगे पूरा कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के नकहा के पार्षद पद के प्रत्याशी शशांक सोनकर व शिवाजी नगर के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश सिंह उर्फ गोली सिंह ने कहा। शिवाजी नगर वार्ड नंबर 75 क्या होगी चुनाव में आपके लिए जनता के लिए? देखिए, 20 वर्षों से गोली भैया जिंदाबाद, 20 वर्षों से जो भी एक ही पार्षद हुआ करते थे और वार्ड की स्थिति बहुत ही बदतर कर चुके हो चुकी थी हमारे आने से, और महाराज जी के और हमारे विधायक विपिन सिंह जी, हमारे महापौर सीताराम जायसवाल जी के आशीर्वाद से हमारे वार्ड में, पूरे गोरखपुर में हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा विकास कार्य अगर किसी वार्ड में हुआ है 70 वार्डों में, तो वो महीशुगरपुर में हुआ है। वर्तमान में मेरा वार्ड नंबर 75 शिवाजी नगर हो गया है। क्या क्या काम हुआ आपके द्वारा? हमारे द्वारा पोखरे का सुंदरीकरण का कार्य लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। हमारे यहाँ सड़कों का जाल बिछ रहा है, वर्तमान समय में भी लगभग 10-12 करोड़ के काम चल रहे हैं, और हमको लगता है कि लगभग महत्वपूर्ण काम जितने भी थे लगभग समाप्ति की तरफ हैं, और 1-2 काम जो बहुत ज़रूरी है उसका भी शासन में उसका प्रस्ताव जा चुका है और चुनाव खत्म होते ही वो आ जाएगा, तो हमको नहीं लगता है कि वार्ड में कोई गंभीर समस्या रह जाएगी। मैं चंद्र प्रकाश सिंह गोली सिंह, निवर्तमान पार्षद, महिला सीट होने के कारण हमारी पत्नी संगीता सिंह चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी ने आपको काफी बनाया, क्या प्राथमिकता रहेगी? मेरी प्राथमिकता यहाँ रहेगी कि पहले यहाँ पे बीजेपी को जिताया जाए, क्योंकि यहाँ कभी बीजेपी जीती नहीं है सीट, और हमेशा दूसरी पार्टियाँ या निर्दलीय ही जीते हैं, जिसकी वजह से ये वार्ड विकास से वंचित रह गया है। यहाँ पे जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है कि ये रोड बरसात में चलने लायक नहीं रहती थी, और जिससे जनमानस को बहुत ही असुविधा होती थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूज्य महाराज जी द्वारा यहाँ पे RCC नाली का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके बाद यहाँ पे RCC रोड का निर्माण कराया जाएगा, जिससे यहाँ पे बहुत लोगों को सुविधा हो जाएगी। क्या रहेगी प्राथमिकता इस बार चुनाव में अगर चुनाव जीतते हैं तो? प्राथमिकता मेरी ये रहेगी, चूँकि ये बहुत ही पिछड़ा वार्ड है, तो यहाँ पे संपूर्ण वार्ड का विकास करना। नकहा क्षेत्र बहुत ही अभी भी पिछड़ा हुआ है, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। अपना नाम? मेरा नाम शशांक सोनकर है, मैं भाजपा प्रत्याशी हूँ वार्ड नंबर 9 नकहा से।